हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 जून और 8 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपकी सभी आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन, श्रम विभाग, ये सभी परीक्षाओं के लिए, व्यापम और पीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी करंट अफेयर्स सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए गए हैं, तो पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चलिए, तो कल का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का प्रश्न है, हाल ही में किस पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता व निर्देशक का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है आमिर रजा। ठीक है, आमिर रजा जो है एक प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता और निर्देशक हैं, और उन्हें जो है द 50 डे वॉर और द लीजेंड ऑफ राम जैसे बड़े आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और द 50 डे वॉर जो है कारगिल युद्ध पर आधारित जो है ये आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन है, याद रखिएगा। और इन्हें आमिर रजा हुसैन को रंगमंच में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सरकार द्वारा। और इनकी जो सुपरहिट फिल्में हैं जैसे कि बाहुबली, RRR और फिल्म आदि पुरुष में भी इन्होंने काम किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन रहा है? तो इसमें आंसर है बिलासपुर। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। दूसरी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 4 जून बिलासपुर 2 से 4 जून को बिलासपुर जिला खेल परिसर में किया गया। इसमें प्रदेश के 13 जिलों के 303 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रायगढ़ और तीसरे स्थान पर दुर्ग जिला रहा है। प्रतियोगिता को इंटरनेशनल स्वरूप देने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का इस्तेमाल भी किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने में रायपुर जिला किस स्थान पर है? इसका आंसर है तीसरे स्थान पर। विस्तार पर बात करते हैं। जल जीवन मिशन से अब तक राज्य में कुल 23,30,317 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक 2,03,755 परिवारों को, और राजनांदगांव जिले में 1,64,760 और रायपुर जिले में 1,31,918 परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। यानी कि पहले नंबर पर जांजगीर जिला, दूसरे नंबर पर राजनांदगांव और तीसरे नंबर पर रायपुर जिला रहा है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को 12.38 लाख लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ लिए जाने पर किस किताब से नवाजा गया है? तो ये जो है स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के नाम बुक से बुक के खिताब से नवाजा गया है। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को 3 विश्व स्तर के खिताब से नवाजा गया है। गोबर पेंट से 3600 वर्ग फीट की कैनवास पेंटिंग बनाने पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, पहला पहला जो है। और दूसरा है, विश्व में पहली बार एक दिन में 12,38,116 लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ लिए जाने पर स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का खिताब दिया गया है। तो ये तीनों खिताब छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे NPC नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है अश्वन कुमार सोनवानी ने। विस्तार पर बात करते हैं। 25 से 28 मई 2023 तक पंजाब के चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अश्वन कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रीय खिलाड़ी अश्विन को 2018 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग से उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर शहीद राजीव पांडे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, ये महिला बनी है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार अवार्ड पाने वाली।
विस्तार पर बात करते हैं। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, यानी कि द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार जो है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा, और जिसे द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, प्रदान किया गया है, और ये पहली महिला बनी है ये अवार्ड पाने वाली। अगला प्रश्न है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल टॉप पर रहा है? तो ये है IIT मद्रास। विस्तार पर बात करते हैं, हाल ही में जारी हुई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार देश भर के टॉप 10 उच्च शिक्षा संस्थानों में 7 IIT हैं, जिसमें IIT मद्रास 5 साल से टॉप पर है। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु का IISc तथा तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली आ चुका है। दिल्ली जो है, IIT दिल्ली जो है, एक नंबर, एक पायदान ऊपर चढ़कर आया है, ठीक है। मैनेजमेंट संस्थानों में IIM अहमदाबाद लगातार 4वें साल प्रथम स्थान पर है तथा IIM रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का IIM रायपुर है वो 11वें स्थान पर है। एम्स दिल्ली 3 पायदान की छलांग लगाकर 6वें स्थान पर पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर वर्ल्ड कप में किस शूटर ने भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता है? तो ये है धनुष श्रीकांत। विस्तार में बात करते हैं, भारतीय शूटर धनुष श्रीकांत ने जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 249.4 अंक अर्जित कर गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही स्केट मिश्रित टीम इवेंट में हर मेहर और संजमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने 9 मेडल जीते हैं और भारत जो है वर्ल्ड कप की पदक तालिका में टॉप पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार CM लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च करेगी? तो ये जो है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार जो है CM लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च करेगी। विस्तार पर बात करते हैं, युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत युवाओं के प्रशिक्षण हेतु 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं तथा 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत सीखने के साथ युवाओं को 8 से 10 हज़ार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय जेवलिन थ्रोवर शिवम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है सिल्वर पदक जीता है शिवम ने। विस्तार पर बात करते हैं, भारत के जेवलिन थ्रोवर शिवम लोहा कारे ने कोरिया में आयोजित अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 72.34 मीटर की थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने शॉर्ट पुट में 19.52 मीटर की थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता है तथा 800 मीटर में 49.79 सेकेंड का समय लेकर भारत के शकील ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की मशहूर एंकर का निधन हो गया है, इनका नाम है गीतांजलि अय्यर। विस्तार पर बात करते हैं, वे 1971 में दूरदर्शन से जुड़ी थी। उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी जीता था। उन्होंने श्रीधर क्षीरसागर के टीवी नाटक खानदान में भी अभिनय किया है और वे पार्किंसन रोग से पीड़ित थी, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, न्यूरोलॉजिकल रोग है। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 जून को। विस्तार पर बात करते हैं, असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के 5वें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम फूड स्टैंडर्ड्स सेव लिव्स है, यानी कि ये जो क्रम है, ये जो संस्करण है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का, ये 5वां संस्करण है जिसकी थीम फूड स्टैंडर्ड्स सेव लिव्स है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 2018 में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब में अपने राजनयिक दूतावास को फिर से खोला है? तो इसका आंसर है ईरान। विस्तार पर बात करते हैं, ईरान और सऊदी अरब के बीच 7 साल के तनाव के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। इस पर सहमति मार्च में मिल गई थी। रियाद में ईरानी दूतावास
जेद्दा में इसका महावाणिज्य दूत और इस्लामिक सहयोग संगठन का स्थायी प्रतिनिधि कार्यालय आधिकारिक रूप से 6 और 7 जून को फिर से खोला गया है। सऊदी अरब ने तेहरान और पूर्वोत्तर शहर मशहद में अपने राजनयिक पदों पर हमले के बाद ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे, ठीक है, जो कि अब फिर से इसे खोल दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत कब और किसने की थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे अकेडमी में, होम अकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।